हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जो है फैक्ट ओ स्पेस। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ताकि आप ऐसे ही वीडियो देख सकें। दोस्तों, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जो मैं चला रहा हूँ, और ये मेरा उसमें पहला फेस कैम वीडियो है जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर स्पेस, यानी हमारे जो स्पेस में माध्यकर्षण फोर्स किस तरह से काम करता है। ये जो माध्यकर्षण फोर्स है, ये सन का सबसे ज़्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में, और सन का सोलर सिस्टम में बहुत महत्वाकांक्षी पूर्वक काम रहता है, और खास करके इसकी ग्रेविटी जो है, ये खाली बहुत भारी भरकम और बहुत बड़े बड़े शरीरों को खींचती है। हम जैसे इंसान वहाँ नहीं खींचाए जा सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ ही लगभग 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। फिर भी आप सोच रहे होंगे प्लूटो कैसे निकल गया, उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। पर आज हम जानने वाले हैं प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे काम करती है। जैसे हमारे अर्थ के बाहर की फोर्स, जो आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि अर्थ की बाहर की फोर्स वो कैसे काम कर सकती है, वहाँ कुछ ग्रेविटी है क्या, हमारे मून में भी ग्रेविटी है, तो मैं बताना चाहूँगा यस, हाँ। हमारे मून की ग्रेविटी क्या सन से रिफ्लेक्ट होती है? नहीं, हमारे मून की ओन ग्रेविटी है, क्योंकि वो हमारे धरती के चारों ओर घूमता रहता है, और हमारे धरती से रिफ्लेक्ट हुई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव, जैसे ही हमारा एटमोसफियर, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि जो नेगेटिव एक्सलरेशन होता है ग्रेविटी का, वो ग्रेविटॉन्स पार्टिकल रिफ्लेक्ट होते हैं और उनके क्वार्क्स उनके चार्म क्वार्क्स में बदल जाते हैं, जिसके कारण जो मून तक हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स पहुंचती है लेकिन बहुत कम। आपने सुना होगा कि एक आदमी अगर धरती में अगर वो 100 kg का है तो वो मून में जाने के बाद वो 50 kg का रह जाएगा। ये है ग्रेविटी का खेल। बेसिकली इसके पीछे ये तरीका है कि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, F यानी फोर्स इक्वल टू gm1 m2 होल डिवाइडेड बाय r2। इस फॉर्म को दिया था हमें सर आइजैक न्यूटन ने। ये फॉर्मूला ना ही सिर्फ दिया था बल्कि 3 और लॉज ऑफ मोशन भी बताए थे, जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वो स्पेस में कैसे काम करता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं बताना चाहूँगा कि जो धरती के बाहर जो हमारा मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, मैनमेड नहीं है, हमने नहीं भेजा, वो पहले से है, और वो हमारे चारों ओर रिवॉल्व हो रहा होता है, जैसे कि जुपिटर में यूरोपा, आयो, सैटर्न में जो टाइटन है, इसके बारे में हमने एवेंजर्स में भी देखा था, पर वहाँ कोई भी लिवेबल कंडीशंस नहीं है, वो सब फिक्शनल थे। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा फाइनली आपको कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को चीरते हुए हमारे रॉकेट सैटेलाइट्स ऊपर जाते हैं। और दोस्तों एक बहुत बड़ा मैसेज बताना चाहूँगा आपको कि हम एक नई प्लेलिस्ट मैं एक बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको स्पेस में फिजिक्स, जो एस्ट्रोफिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में वीडियो छोड़ूंगा, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, जिसमें कि आपको बहुत सारे नॉलेज की गेन होगी। इसमें कि आज पहला वीडियो था, इज देयर एनी ग्रेविटी आउटसाइड आवर अर्थ जस्ट बिफोर आवर मून। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा 1 to 2 weeks के बाद, जिसमें होगा कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन, उसको हम बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे, स्टार्टिंग बहुत अच्छी तरह से होगी। फिलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर। Thanks for watching.